कल आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होना है। एयरफोर्स ने ऑफिशियली क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 22 अक्टूबर को वो लोग बता देंगे कि किस कैंडिडेट का एग्ज़ाम किस सिटी में होगा और किस डेट में होगा। लेकिन एक छोटा सा चेंज हुआ है इस बार, जैसे एसएससी और रेलवेज़ की एग्ज़ाम्स में होता है कि एडमिट कार्ड आपको 24 और 48 आवर पहले ही वो लोग रिलीज़ करते हैं, तो वही इसमें होगा। अगर आपका पेपर जैसे 8 नवंबर तक पेपर होना है, तो 8 नवंबर वाले बच्चे को 4 नवंबर तक पता भी नहीं हो, एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, बस उसको सिटी और डेट पता होगी, बाकी एडमिट कार्ड उसका 24 घंटे या 48 घंटे पहले ही आएगा। बस इन बचे हुए दिनों में एक चीज़ याद रखना है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको प्लीज़ अब मत पढ़ना, अगर वो एक दिन में कवर होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे आप मान लो आपने हाइपर बोला कि नहीं पता है कि एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर आप अब उसको सीखने की कोशिश करोगे तो आप अब एंड मोमेंट पे क्या करना होता है, जो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से तैयार कर ली हैं उनको रिवाइज़ करने का टाइम होता है, तो अब वो बिल्कुल भी टच मत करना। वो एरियाज जैसे आपने अल्टरनेट करंट नहीं पढ़ा है छोड़ दो, ठीक है, अगर आएगा क्वेश्चन तो ये तुम्हारा बैड लक होगा क्योंकि तुमने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन इस बचे हुए टाइम में जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर डालो, ठीक है। आई होप आप सभी अपनी अपनी सबकी पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो और घबराना नहीं है, ठीक है। अब समय आ गया अपने आप को प्रूव करने का, जो आपने इतने सालों से जो संघर्ष करते चले आ रहे हो, कुछ महीनों से, कुछ लड़के तो किसी का तो थर्ड अटैम्प्ट होगा, तो अब टाइम आ गया है अपने आप को प्रूव करने का। तो इस जंग में उतरने जा रहे हो, बिल्कुल भी डरना नहीं, एकदम उत्साह और जोश के साथ उतरना है मैदान में। बाकी फाइनली बस इतना कहूँगा कि भाई केवल तुम प्रेशर में नहीं हो, जितना बच्चा एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहा है इक्वली प्रेशर में है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि ये इंश्योर करना है कि उस प्रेशर को डील कैसे करना है। जो बच्चा आपको ट्रेन में मिलेगा, जो रास्ते में मिलेगा, हर बच्चा प्रेशर में होगा इंटरनली, ठीक है। तो आपको इस प्रेशर में नहीं रहना है, एग्ज़ाम में जाना है ये सोच के साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव पड़ोस जो मज़े लेते हैं उनको प्रूव करके दिखाना है कुछ, और इस बार कुछ अलग करके दिखाना है और यूनिफॉर्म अचीव करनी है नेक्स्ट ईयर तक। तो बस जाओ, मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। वैसे तो मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करी है, बस एक छोटी सी उम्मीद है आप लोगों से, इस बार मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करी है गाइज़। तो बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आके फीडबैक ज़रूर देना अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, या जो भी आपसे पूछें। अगर आपको कंटेंट एज इट इज क्वेश्चंस मिलते हैं, डेटा भी चेंज नहीं होता है, तो बस आके ज़रूर बताना कि हमने इस चैनल से पढ़ाई करी थी, इस चैनल से हमें इतना फंसा था। तो ये चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेशन देती हैं। बाकी बस मेहनत करते रहो, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और नेक्स्ट ईयर तक आप हमें यूनिफॉर्म वाली डीपी लगा के भेजो सर। मैं फिर आपसे प्राउड फील करूंगा जब मैं कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस डील। अन अकेडमी का नाम आप सबने सुना होगा, अगर नहीं पता है तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उसको अगर डाउनलोड करते हो तो लग एयरफोर्स और नेवी और एनडीए की कैटेगरी में बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे आते रहते हैं। फ्री कोर्सेज भी होते हैं और पेड कोर्सेज भी होते हैं। तो पहले तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, जाके विजिट कर सकते हो। अगर आप कोई पेड कोर्स वहाँ से ख़रीदते हो तो लक्ष्य 12 अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये छोटा सा प्रमोशन था। तो बाकी बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो।